मेरा ये वादा है कि किसी भी इंसान को जिंदगी में कभी भी वृद्धाश्रम की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। जी मंजी जी, हाँ जी, जो और स्टेटा के अंदर ओल्ड पेंशन लागू कर रखी है, हरियाणा के अंदर नहीं है, जो सरकारी कर्मचारी है, इंडस्ट्री जाले है, बहुत सारे लोग है, लाठीचार्ज होने लग रहा है, ऐसी स्कीम उन लोगों के लिए भी आपके पास? हाँ जी हाँ, बिल्कुल, ये बड़ा ही अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, अभी हरियाणा में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और लोग डिमांड भी कर रहे हैं, जितने भी हमारे भारत सरकार के अधिकारी गण हैं, जो भी अभी गवर्नमेंट जॉब पे है, सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम काफी टाइम से लागू नहीं की, तो हमारे पास भाई टैक्स बचाना है, पैसा सेव करना है आपने, और इनकम भी जनरेट करनी साथ के साथ, भाई का दावा है तो भाई तो जानेंगे, LIC के सीनियर एजेंट हमारे साथ में, एक्सपर्ट मान सकते हो, वो हमारे साथ में फिलहाल मौके के ऊपर है, उन तो जानेंगे भाई। राम राम। राम राम जी, खास मुद्दे के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका इंट्रोडक्शन। मैं मनजीत सिंह, सीनियर वेल्थ मैनेजर LIC ऑफ इंडिया। जी 2023 का जो बजट आया था, हाँ, उसके अंदर टैक्स बढ़ा दिया गया है, 31 मार्च के बाद टैक्स लागू हो जाएगा, हाँ, वो पूरा डिटेल में एक बार डाटा दो। देखिए सरकार, जो भारत सरकार है, उसका 2023-24 का जो बजट आया है, उसमें क्या सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल और उसके बाद कोई भी ऐसी पॉलिसीज जिनका प्रीमियम अमाउंट 5 लाख या उससे ऊपर होगा, ऐसी पॉलिसीज के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स का प्रावधान किया गया है, जो कि अभी तक बिल्कुल टैक्स फ्री थी। टैक्स फ्री। तो हम अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी 31 मार्च से पहले LIC की जो प्लान्स हैं, जिनमें गारंटीड एडिशन है और टैक्स की छूट है, वो 31 तारीख तक ही लागू रहेगी, उसके बाद अगर कोई लेता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है ऐसी पॉलिसीज के ऊपर टैक्स लेने का, जिनमें कि आप अपने टैक्स के ऊपर काफी पैसा बचा सकते हो। जी आप ये काम ऑलरेडी करते हो? हाँ जी, मैं 20 साल से LIC ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इसार के बेस्ट अभिकर्ता हूँ के तौर पे काम कर रहा हूँ। जी कैसे दवा ठोकना है, लोगों का विश्वास टूट रहा है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी है, पैसा अड़प के भाग जाती है, बैंक के बैंक डूब जाते हैं। हाँ। देखिए जी, क्या है कि सबसे पहले तो आपको बता दूं, LIC ऑफ इंडिया का एक स्पेशल प्रोविजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सोविनियर गारंटी का। सोविनियर गारंटी क्या कहती है कि आपकी कितनी भी अमाउंट, इरिस्पेक्टिव ऑफ, अगर आप बैंक से कंपैरिजन करें तो इंडिया के किसी भी बैंक के पास सोविनियर गारंटी नहीं है, उसमें अगर आपको कल को कोई भी बैंक अगर डूबता है, तो पहले 1 लाख की लिमिट थी जिसको भी गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 5 लाख तक किया है, लेकिन LIC को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा एक स्पेशल सोविनियर गारंटी का प्रावधान दिया गया है, जिसमें कि आपकी कितनी भी अमाउंट, चाहे 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, कितना भी अमाउंट हो, वो सभी सुरक्षित रहेगा और गारंटी के साथ सुरक्षित रहेगा। गारंटी के साथ सुरक्षित। हाँ जी। और अदर कंपनी की बात करा, बहुत सारे ड्रीम दिखाते, बहुत सारे सपने दिखाते हैं, चकनाचूर कर दे थोड़े दिन के बाद, लोगों का मनोबल गिर रहा है, टूट रहा है, हालांकि एक सिक्योर है जो LIC सिक्योर माना है, आप भी सिक्योर बताने लग रहे हो, लोगों का मनोबल टूट रहा है, आप पूरी तरीके से बताओ, टैक्स भी बचा लेंगे और पैसे भी सिक्योर रह लेंगे, विश्वास कैसे करेगी जनता? देखिए मैं आपको बताता हूँ, LIC की एक स्पेशल योजना है जीवन उमंग योजना, जो की हमारी आपको जिंदगी भर गारंटीड टैक्स फ्री पेंशन प्लस टैक्स फ्री मैच्योरिटी की गारंटी देती है, और चाहे इरिस्पेक्टिव दैट आपकी कितनी भी इनकम हो, वो उसकी पेंशन और मैच्योरिटी दोनों की दोनों टैक्स फ्री रहेंगी। इसमें अभी पीछे इवन एक ऐसी पॉलिसी भी हुई थी जिसमें कि एक हमारे एक ही क्लाइंट ने 80 करोड़ रुपए का एनुअल प्रीमियम दिया था, और अभी कल परसों ही उसी पॉलिसी के तहत 200 करोड़ की पॉलिसी अभी एक गुजरात की सूरत डिवीजन के यहाँ भी सेल हुई है, जिसमें कि एनुअल प्रीमियम उस पार्टी का रहेगा लगभग 16 करोड़ रुपए रहेगा, और इतना प्रीमियम कोई भी इंसान जो भी लेता है, उसके पास जो उसके CAs सबकी राय लेके सारे वो आपके शेयर मार्केट और जितने भी म्यूचुअल फंड या जो भी असेट्स हैं, जो भी गोल्ड गोल्ड या इवन आपका प्रॉपर्टी, सारा रिटर्न देख के उसके बाद कोई डिसाइड करता है, इतनी बड़ी पॉलिसी जो लेता है, और LIC के ऊपर वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि LIC के ऊपर भारत लोगों का भरोसा अटूट है। जी आपने 20 साल हो गया, आपका एक्सपीरियंस 20 साल से, कितने कोर्ट में केस आ दिए? देखिए जी, मेरा आज तक एक भी कोई पॉलिसी ऐसी नहीं रही जिसके तहत किसी भी पार्टी को कोर्ट में जाना पड़ा, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इतना है कि हम वो पोजीशन ही नहीं आने देते कभी, और दूसरा LIC के अंदर कोई भी आपकी पॉलिसी है तो बट होता ही नहीं कभी भी, हमारी लगभग सभी पॉलिसी का जब भी उनकी मैच्योरिटी है, कोई क्लेम आता है किसी तरह का, तो LIC का 99.9% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, जो कि सर्वाधिक है किसी भी प्राइवेट कंपनी। जी किस किस तरह के बीमे, किस किस तरह की मतलब फैसिलिटी देने लग रहे हो, एक बार वो बताओ। इसमें हमारे पास देखिए अलग अलग प्लान्स हैं, बच्चों के प्लान हैं, पेंशन प्लान है,
इवन एंडोमेंट प्लान्स हैं, टर्म प्लान्स हैं, सभी तरह के प्लान और एनआरआई प्लान स्पेशली। अभी गवर्नमेंट ने एनआरआई सेक्टर को भी काफी ओपन किया है, जिसके तहत कोई भी ऐसा इंसान जो कि नॉन रेजिडेंटल इंडियन है वो भी एलआईसी में अपनी पॉलिसी अगर लेता है तो उसको तो जीएसटी भी नहीं लगता उसकी पॉलिसीज के ऊपर। और बाहर क्या है, अगर आप विदेशों में देखें तो वहां किसी भी जो इनकम है उसके ऊपर इंडिया में अगर वो पैसा यहाँ देता है तो ना उसको जीएसटी देना पड़ता है ना कोई टैक्स होता है, और वो पूरी की पूरी गारंटी रहती है। तो वहां इतना ब्याज रेट भी नहीं है विदेशों के अंदर, इवन 1%, 2%, 1.5% से ज्यादा ब्याज नहीं। यहाँ पे हमारे एलआईसी के अंदर बहुत बढ़िया रिटर्न पड़ता है, लगभग 7 से 7.5% का रिटर्न भी आ जाता है और प्लस में टैक्स फ्री रहता है और बहुत अच्छा रिस्क कवर भी रहता है। जी, इमेज ओके है, एज फैक्टर भी कुछ मतलब इसको मैं फैक्ट डालता है, कितनी एज का, कितनी एज नहीं, लेडीज हो, पुरुष हो, बच्चे हो, मतलब हाँ, देखिए इसके अंदर 2-3 फैक्टर होते हैं। एज फैक्टर तो रहता ही रहता है, साथ में आपकी हेल्थ कैसी है और आपकी इनकम कितनी है, ये सारे पैरामीटर देख के ही हम किसी को पॉलिसी देते हैं। किस किस तरह के, मतलब कोई लाइलाज बीमारी हो उसका भी कर दो? नहीं देखिए ऐसा नहीं होता, कोई भी पॉलिसी कराने से पहले बतौर आपका एक पर्टिकुलर मेडिकल होता है और उसके बाद हमारे जो टीम है जो हमारी वो सारा आपको प्रॉपर चेक करके मेडिकल टीम सारा चेक करती है और उसके बाद ही आपको बीमा दिया जाता है। यहाँ किसी प्रकार का ऐसा सिस्टम नहीं होता कि कोई गलत तरीके से मिस सेल या कोई गलत पॉलिसी हम किसी को दें, सब बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से ही होता है। जी मंजीत जी, हाँ जी, जो और स्टेट के अंदर ओल्ड पेंशन लागू कर रखी है, हरियाणा के अंदर नहीं है, जो सरकारी कर्मचारी है, इंडस्ट्री जाले है, बहुत सारे लोग है, लाठीचार्ज होने लग रहा है, ऐसी स्कीम उन लोगों के लिए भी आपके पास है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल, ये बड़ा ही अच्छा सवाल किया आपने। देखिए अभी हरियाणा में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और लोग डिमांड भी कर रहे हैं, जितने भी हमारे भारत सरकार के अधिकारी गण हैं, जो भी अभी गवर्नमेंट जॉब पे है, सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम काफी टाइम से लागू नहीं की, तो हमारे पास एलआईसी में कुछ ऐसे बेहतरीन प्लान हैं जिनके तहत ही गारंटेड टैक्स फ्री पेंशन होल लाइफ उनको मिलती रहेगी और प्लस में जो उनकी मैच्योरिटी रहेगी वो भी टैक्स फ्री रहेगी और इसके अलावा रिस्क कवर, इवन आपका एक्सीडेंटल क्लेम बेनिफिट्स और प्लस में किसी भी तरह के डिसेबिलिटी बेनिफिट्स भी उसके अंदर इंक्लूडेड है जो कि कोई भी कंपनी नहीं देती और बहुत अच्छे रिटर्न के साथ हमारे पास पेंशन प्लान्स अवेलेबल हैं। जी, आप हर प्रकार के बीमे के बारे में जानकारी देश को दर्शकों ने हर तरह की? हाँ जी बिल्कुल, हमारे पास बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी एज के लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लान अवेलेबल है जो कि डिपेंड करता है उनकी एज के ऊपर और उनके स्वास्थ्य के ऊपर और उनकी इनकम के ऊपर। और मैं तो यही कहता हूं आपके सभी साथियों से कि कोई और आपके सभी दर्शकों से कि आप आओ और एक बार आप आके हमारे से मिलो और फिर आपको ये हमारा वादा है कि आपको जो है ना किसी भी तरीके से निराश नहीं होना पड़ेगा और आपकी वित्तीय व्यवस्था ऐसी हम बढ़ा के देंगे कि आपको जिंदगी भर इवन अपनी वृद्धावस्था में किसी भी तरीके से किसी के सामने भी यूं नहीं करना पड़ेगा। जी, मतलब जी। किस तरह से आप तक संपर्क करेंगे लोग? इसके लिए आप मेरा नंबर मैं यहाँ आपको बताओ, नंबर 8295820269 के ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मंजीत सिंह। और दूसरा मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, अभी हमारे समाज के अंदर एक जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है कि अच्छे खासे घरों के लोग भी जिन बुढ़ापे के अंदर ऐसे बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं सिर्फ किस वजह से कि उन लोगों ने जब वो कमाते थे तो अपने लिए वृद्धावस्था के लिए कोई व्यवस्था नहीं की और जब बुढ़ापा उनका आया तो बुढ़ापे के अंदर बच्चे उनको वृद्धाश्रम में छोड़ाए। अगर उन लोगों ने समय रहते एक अच्छी बचत की होती, अपनी प्लानिंग की होती या हमारे जैसे किसी भी एलआईसी के विक्रेता से उस समय उन्होंने मिलके बात की होती तो ऐसी व्यवस्था हम लोगों को करके देते कि आज वृद्धाश्रम में जाने की नौबत ना आती। हाँ, देखिए बिल्कुल यही सबसे मैं बड़ी चीज है जो आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप समय रहते अगर अपनी प्लानिंग करते हो तो मेरा ये वादा है कि किसी भी इंसान को जिंदगी में कभी भी वृद्धाश्रम की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। जी जी, ये जो स्कीम बताई है आपने जो कई तरह की चल लगी रहे कई तरह की बीमे कराए सके हैं, देखिए टैक्स फ्री टैक्स, देखिए इसमें हमारे पास क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अभी 23-24 का जो बजट आया है इसकी आखिरी तिथि है 31-3-2023। उसके बाद क्या होगा कि कोई भी हमारी जितने भी स्कीमें हैं जो भी हाई एंड प्लान्स हैं स्पेशली 5 लाख उससे अबाव की पॉलिसीज हैं वो टैक्सेबल हो जाएंगी। तो हम सभी दर्शकों से कहना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स की छूट व बेनिफिट पाने के लिए
आप हमारे से आगे मिलिए। और दूसरा ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि क्योंकि देखिए क्या होता है, 31 तारीख से पहले ही आप आके हमें अप्रोच करें, नहीं तो आखिरी दिन क्या होता है जी, बहुत भीड़ हो जाती है और बहुत सारी पुल इकट्ठा हो जाता है, तो इतने लोगों को एकदम हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल होता है। बिल्कुल, नेटवर्क भी बिजी हो जाता है, साइट भी बंद हो जाती है, क्योंकि बाकायदा मेडिकल भी करना होता है, बहुत सारे प्रोसीजर, ठीक है, उनकी सारा चेकअप होता है। तो आप समय रहते आके हमारे से मिलिए जी जी, और बेस्ट रिटर्न के साथ हम आपको अच्छे प्लान भी अवेलेबल करवाएंगे जी जी। बिल्कुल, धन्यवाद आपका मंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, आपकी टीम ने और आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारे को समय दिया, और हम ये बिल्कुल आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके दर्शकों को अगर आप हमारी तरफ से निराशा नहीं मिलेगी। थैंक यू वेरी मच दैन इन्फॉर्मेशन भाई। ये थे मंजीत सिंह हमारे साथ में, एक तरह के एक्सपर्ट जो LIC के 20 साल का एक्सपीरियंस है और लॉ की प्रैक्टिस की हुई उन्होंने, इनके विचार आपने किसे लागे है, एक मतलब इनकम जनरेट करनी और सिक्योर रखनी और टैक्स फ्री रखनी लाइफ टाइम के लिए, तो वीडियो ने शेयर जरूर कर दे रही हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में, सहयोगी कैमरा मैन के साथ में सुशील सियाग, धन्यवाद।